कॉलेजेस के कयाम के 20 साल मुकम्मल। एबटाबाद में सजा टॉपर्स का मेला। खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे पाकिस्तान से 20 ग्रुप के तालीमी इदारों में टॉप करने वाले साबिक 400 से ज़ायद तलबा व तलबात के एजाज में रंगारंग तकरीब, अहम उमूर पर बातचीत। नाज़रीन, 20 ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस के क़याम के 20 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 20 ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस खैबर पख्तूनख्वा का निजी शोबा में सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुका है। 20 ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस के सवाबी चारसदा मर्दान, पेशावर, सवात, नौशहरा, एबटाबाद, हरिपुर, मानसेरा और सूबे के दीगर अजला में कैंपस काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता 20 सालों के दौरान 20 ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस में ज़ेर तालीम खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ तालीमी बोर्ड्स को टॉप करने वाले तलबा व तालिबात के एजाज में एक रंगारंग तकरीब 20 ग्रुप मीरपुर एबटाबाद के सब्जाजार पर मुनक्कद की गई। इस तकरीब के इनेकाद के लिए कई हफ्तों से खसूसी तैयारियां जारी थीं। इस तकरीब में 20 ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस के ज़ेरे एहतमाम मुख्तलिफ तालीमी बोर्ड्स में टॉप करने वाले 400 से ज़ायद तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। इस तकरीब में शिरकत करने वालों में अब ज़्यादातर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्मी ऑफिसर, सिविल सर्विसेज में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत सी टॉप करने वाली लड़कियां अपने बच्चों के हमरा इस तकरीब में शरीक थीं। चंद रोज़ कभी 20 ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस के फर्स्ट ईयर में नुमायाँ कारकर्दगी के मुजाहरा करने वाले हज़ारा के बच्चों में 38 लाख रुपये के स्कॉलरशिप तकसीम किए जा चुके हैं। इस तकरीब के रूहे रवा 20 ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस के चेयरमैन सनाउल्लाह खान थे, जिन्होंने अतारी की कामयाबियों और अहम मसाइल पर ज़बरदस्त गुफ्तगु की। इस रंगारंग तकरीब के दौरान बहुत से तलबा व तालिबात ने अपनी मधुर आवाज़ का जादू भी चकाया और मुख्तलिफ गाने गाए, जिन्हें हाजरीन ने बहुत पसंद किया। तकरीब में आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा पेश किया गया, जबकि म्यूजिकल नाइट ने समा बांधे रखा। तकरीब से खिताब के दौरान 20 ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस के चेयरमैन सनाउल्लाह खान का कहना था कि हज़ारा हर हाल में एजुकेशन में ज़्यादा है। यहाँ पे पेरेंट्स को अवेयरनेस है, बच्चों को अवेयरनेस है, यहाँ इसलिए यहाँ पे बच्चों को पढ़ने का रुझान है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने BS कंप्यूटर साइंस लॉन्च कर दी है, जिसे आप IT कहते हैं, क्योंकि इंडिया का अगर आप कंपेरिजन करें, हमारा नेबर है, वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उसकी एक्सपोर्ट हो रही है, और वो IT के बच्चे, छोटे बच्चे आप जैसे, वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपने घरों में काम कर रहे हैं और मुल्क को करोड़ों अरबों रुपए का फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। हमारा इस वक्त मोशन ये है कि हमने अच्छे बच्चे देने हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम IT के शोबे में जा रहे हैं कि अगले 50 साल में, अगले 40 साल में, अगले 30 साल में, 20 साल में, 10 साल में, 5 साल में, 1 साल में हम कहाँ होंगे, कि इस मुल्क को कैसे पहुँचाना है। 2.5 या 3 या 4 करोड़, और पिछले 100 सालों की हिस्ट्री निकालें तो 200 नोबेल प्राइजेस दिए जा चुके हैं, और इन 200 नोबेल प्राइजेस में से 180 सिर्फ यहूदियों के पास है, और हम 1 अरब 50 करोड़ 3 नोबेल प्राइज। आप सोचिए हम कहां हैं। हम अपने मुल्क पे सीना तान के चलते हैं, मूछों को घुमाते हैं कि हम प्राइम हैं। कहां हैं प्राइम? किसने कहा हम प्राइम हैं? सिर्फ कलमा पढ़ लिया हम प्राइम हो गए? प्राइम हो गए? हरगिज नहीं। प्राइम बनने के लिए एक एक कदम चलना होता है। मेरे पास बहुत ज़राए थे, बहुत रिसोर्सेज थे, मैं कुछ भी करता, मैं 5-6 प्लाजे बनाता पाकिस्तान में, करोड़ों कमाता, मैंने भी नहीं किया। मैंने एक छोटा सा इदारा खोला, एक सोच लेके, एक मिशन लेके कि मुझे नेशन बनानी है, मुझे मुसलमान के लिए काम करना है। मेरे लिए बहुत ज़राए थे, नहीं, मेरे नेशन बनानी है, नेशन बनानी है, और नेशन ये बैठी है। अगर ये ताकतवर हुए, ये मजबूत हुए, इनके पढ़ लिखे जहन हुए, तो ये मुल्क मजबूत होगा, ये उम्मा मजबूत होगी, तब हम उसे मुकाबला कर पाएंगे। वरना इस वक्त हर चीज पे वो काबिज है, क्या एजुकेशन, क्या मईशत,
हम इस वक्त इस दुनिया के पांचवें मुल्क हैं, पांच मुल्कों में हमारा नाम आता है जो सबसे ज्यादा दूध बनाते हैं। एक ही तरीका है आगे बढ़ने का, जो मैं और अभी जो गवर्नमेंट बैठी है वो भी ये कहती है, सिंगल नेशनल करिकुलम। अगर हम सब सपोर्ट दें इस चीज को और सिंगल नेशनल करिकुलम पे जुड़ जाएं, यकीन कीजिए विद इन 10 to 20 years हम पूरी दुनिया को अपने पीछे लगा सकते हैं। क्यों? ये शर्त है इसके लिए कि सिर्फ और सिर्फ 5% जो हमारे हैं उनके पास हाकिमाना गुरूर ना हो और 90% को हमने जहालत पे न छोड़ा हो, 90% को अपने भूख पे न छोड़ा हो, 90% को उर्दू मीडियम का तारा ना मिलता हो, तब ये बात बनेगी। दो लफ्ज बोलते हैं टेढ़े टेढ़े करके अंग्रेजी के और हुकूमत कर रहे होते हैं। क्यों? कि हमारे लोअर मिडिल क्लास फैमिली, आई एम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, माय फर्स्ट सैलरी 6 अक्टूबर 1986 ₹1200 सैलरी, नाउ 27 कैंपसेस, और कैंपसेस देखिए आपने, स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग्स। ये मैंने नहीं की, ये खुद ब खुद हुई। मैंने अपनी नीयत, मैंने अपना काम सीधा किया, ऊपर अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। तो ये इसलिए कह रहा हूं कि 1200 बहुत कम होते हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे जो बहुत अच्छे वेल ऑफ ग्राउंड से हैं। अगर आप फिर मैं जाऊं तो वापस जाऊं मशी की तरफ, हमारा मुल्क जरई मुल्क, गंदम बाहर से आ रही, हमारा मुल्क जरई मुल्क, चावल बाहर से आ रहा, हमारा मुल्क जरई मुल्क, खाने चीनी बाहर से आ रही, हमारा मुल्क जरई मुल्क। हमारे किसान के मुंह पे रौनक नहीं है, हमारे किसान का चेहरा खुशी से चमक नहीं रहा, हमारे जरई मुल्क और किसान जो है उसका बच्चा स्कूल नहीं जा सकता, वो क्या करेगा आपके लिए? हम पढ़े लिखे लोगों ने इस मुल्क की वोट लगा ली। प्लीज, अगर हम, ये बच्चा ताकतवर हुआ, मजबूत हुआ, जहन पढ़ लिखा हुआ, तो ये पाकिस्तान के आप मुस्लिम उम्मा को उठाकर ऊपर ले जाएगा। एक सनाउल्ला ने इतना काम किया और यहां तो हजारों सनाउल्ला है, लाखों सनाउल्ला है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, शॉर्ट करूंगा, अहमद साहब ने मुझे बांधा हुआ है, वो कहते हैं दिल के में तो जख्म तो बेतहाशा है लेकिन टाइम कम दिया गया है, चिरा हुआ है, इसको निकाले तो खून निकल रहा है इसमें से, खून निकल रहा है इसमें से, हर वक्त नींद नहीं आती रात को। और क्या गम है इस मुस्लिम उम्मा का, इस पाकिस्तान का, क्या होगा? तो मुझे ये हाथ मजबूत चाहिए, ये आपके हाथ, आप जिस जगह पे भी हैं, जिस पोजिशन पे भी हैं, रास्ता ढूंढे। जैसे मैंने सेशन में बात की उन्होंने, क्योंकि जो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किए उसके बाद मेरी बात करना गुंजाइश नहीं है, लेकिन स्टिल मैंने कुछ बात कर लूँ आपके साथ, क्योंकि ये बच्चे तमाम अल्हम्दुलिल्लाह किसी किसी पोजिशन पर पहुँच रहे हैं या पहुँच चुके हैं या पहुँच रहे हैं। तो आपके हाथ में ये मुल्क अब आपके हाथ में है। मैंने अपना रोल प्ले कर रहा हूँ, किया, कर रहा हूँ और करता रहूँगा। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रीब्यूशन, मुझे आप सबसे कंट्रीब्यूशन चाहिए, हर बंदा अपने अपने हिस्सा डाले। इस साल मेरा ये ख्याल था कि हम साल के 4 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप की मद में देते हैं, जब इस दफा हुमायूं साहब हमारे CFO हैं, उन्होंने कैलकुलेट किया तो यकीन कीजिए मुझे यकीन नहीं आया, 10 करोड़ 30 लाख रुपए इस साल स्कॉलरशिप दिया हमने। और मजे की बात, मैं हमेशा कहता हूं मेरा जाती घर नहीं है, I live in rented house, और मुझे कभी शर्म नहीं आई इस पे, मुझे कभी शर्म नहीं आई, क्योंकि मुझे एक एहसास होता है अगर मैं 10 करोड़ का या 20 करोड़ घर बनाऊंगा, इतने में 2 कैंपस बनते हैं, इन 2 कैंपस पे हजारों बच्चे पढ़ेंगे और पढ़ते रहेंगे सारी उम्र, लाखों में जाएंगे। अगर मैं एक घर बनाऊं क्या फायदा मुझे? I'm in rented house, I'm happy. अगर से मेरे बच्चे मेरे खिलाफ इस बात पे, घर चाहिए, अटेंड कर। अभी आपने देखा नुशारा कैंपस है, 90,000 स्क्वायर फुट बिल्डिंग है, क्या मुफ्त बन जाती है? यकीनन बनती है। अब वो बच्चा मैं देखा तो नहीं है यहाँ पे, मैं एक दिन बैठा हुआ था, मेरे पास आया, मेरे क्या ख्वाहिशात हैं, क्या ड्रीम्स हैं आपके?
तो मुझे कहते हैं जी सिंपल से एक व्हाइट हाउस होना चाहिए, एक फार्म हाउस हो, एक हेली हो, एक फेरी हो। एंड हिज डॉटर, अब ये सोचे आप, सोचे ना ये क्या है। इसके हाथ में हमारा मुल्क है, इसके हाथ में हमारा नेशन है, इसमें ये हमारा फ्यूचर है, जिसकी सोच इससे आगे नहीं है कि मेरा एक घर हो। अब किसी से पूछते बच्चों से कहते हैं क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। क्यों? अच्छी लाइफ मिल जाएगी। तो हेल्प मिलता है अच्छी लाइफ। क्या अच्छी लाइफ? पैसा आपको आराम दे सकता है, सुकून नहीं दे सकता। अच्छी गाड़ी आरामदेह होती है, अच्छा फोन आरामदेह होता है, अच्छी कुर्सी आरामदेह होती है, सुकून किधर है? सुकून लोगों की खिदमत करने में, लोगों को हेल्प आउट करने में, लोगों को उनको आगे बढ़ाने में। उसको बड़ा बना दो, खुद छोटे बन जाओ, उसे बड़ा बना दो, इसमें सुकून है। फिर कहूंगा छोटे से दिल में चीरे बहुत लगे हुए, लेकिन अहमद साहब ने बांधा हुआ है कि छोटी बात करनी है। बच्चों ये तो मैंने आपके दिल के जख्म दिखाए आपको,